नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य की नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य की नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्यागशील गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है, और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वह आपके सामने ना आ जाए। सामने आने पर उस भय पर बिना परवाह के प्रहार करना उचित है। जिसका जिस विषय वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वह उस वस्तु का अधिकारी भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आंखों से लगता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र और उनके आचार पर व्यर्थ तर्क वितर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है, सुशीलता दुर्गति का, और बुद्धि अज्ञान भक्ति और भय का नाश करती है। यह निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, और अकेले ही नरक में जाता है या मोक्ष पाता है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है, और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में ये सारा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है, और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं, पशु बाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है, इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है अर्थात स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये पांच पिता गिने जाते हैं। मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, दुर्बुद्धि को छोड़ता है और ज्ञान प्राप्त करता है तथा मोक्ष प्राप्त करता है। पक्षियों में कौआ, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोधी और मनुष्यों में चुगली करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। भ्रमण करने से राजा, ब्राह्मण और योगी सम्मानित होते हैं, किंतु इधर उधर घूमने से स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहा जाता है। जैसा होनहार है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधा हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल ही सभी प्राणियों को खा जाता है और काल ही प्रजा का नाश करता है। जब पूरा संसार सोया रहता है उस समय भी काल जागता है और काल को कोई टाल नहीं सकता।
जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में उन्मत्त व्यक्ति को भला बुरा दिखाई नहीं देता, मद और व्यसन से मतवाला कुछ सोच नहीं पाता और अर्थ या धन का लालची किसी कार्य में दोष को नहीं देखता। जीव स्वयं ही कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है, वह स्वयं ही संसार की मोहमाया के भ्रम में फंसता है और स्वयं ही इससे मुक्त होता है। अपने राज्य में हुआ पाप राजा को लगता है, राजा का पाप पुरोहित को लगता है, स्त्री का पाप उसका पति या पिता को, वैसे ही अपने शिष्य का पाप गुरु को लगता है। ऋण लेने वाला पिता शत्रु है, व्याभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख संतान शत्रु है और सुंदर पत्नी स्त्री शत्रु है, अर्थात आप इनकी वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इनसे शत्रुवत व्यवहार करें। लोभी को धन से, अहंकारी को हाथ जोड़ने से, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। राज्य ना हो तो अच्छा है, परंतु दुष्ट राजा का होना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र का होना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु निंदित शिष्य अच्छा नहीं है। बिना पत्नी के रहना उचित है, किंतु दुष्ट पत्नी का होना उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट स्त्रियों से घर में प्रीति कहाँ और दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से कीर्ति कहाँ। शेर और बगुले से एक एक, गधे से तीन, मुर्गे से चार, कौए से पांच और कुत्ते से छह गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। विद्वान को अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर समय और अपने बल के मुताबिक कार्य साधना चाहिए। समय से जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं आक्रमण करके किसी से अपने लक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति रखे, थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाए, गहरी नींद में सोए परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से स्वामी भक्ति करे और शूरता दिखाए, इन छह गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतुष्ट होकर विचरण करना, ये तीन बातें गधे से सीखनी चाहिए। जो मनुष्य इन 20 गुणों को धारण करेगा, वह मनुष्य सदा अपने जीवन के सभी कार्यों में विजयी होगा। बुद्धिमान मनुष्य अपने धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी का चरित्र और नीच के वचन को और अपने अपमान की बात किसी से नहीं कहते। धन और अन्न के व्यापार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और अन्य व्यवहारों में जो मनुष्य संकोच को दूर रखेगा वही सुखी रहेगा। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए और विद्या अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। दो ब्राह्मण के बीच, अग्नि और ब्राह्मण के बीच, पति और पत्नी के बीच, स्वामी और सेवक के बीच कभी नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इनके बीच में पड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष के लिए देश छोड़ना पड़े तो देश का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात आप दुष्ट लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना उचित है। भोजन से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों की गर्जन से, साधु लोग दूसरों की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। अपने से शक्तिशाली शत्रु को उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जीतना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की शक्ति उसके ब्रह्म ज्ञान में और स्त्रियों की शक्ति उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना ठीक नहीं है, इसके लिए वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष यूं ही खड़े रहते हैं, अर्थात आपकी अत्यंत सरलता आपको मुसीबत में डाल सकती है। हंस वहीं रहते हैं जिस सरोवर में जल रहता है और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं,
पुरुषों को ऐसे हंस के समान नहीं होना चाहिए जो कि बार बार स्थान को छोड़ देते हैं और शरण लेते हैं। कमाए हुए धन को दान या व्यय करते रहना ही उसकी रक्षा है, जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं। वही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है और वही ठाठ बाट से जीता है। स्वर्ग से इस लोक में आने पर लोगों में चार लक्षण प्रकट होते हैं, दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। अर्थात जो लोग ऐसा करते हैं वो स्वर्ग से आए हैं, मृत्यु लोक में अच्छे कर्मों के लिए अवतार लिए हैं। अत्यंत क्रोध करना, कड़वे वचन बोलना, दरिद्रता और अपने लोगों से बैर रखना, नीच लोगों का संग, कुलहीन सेवा करना, ये सभी नरक से आए लोगों के लक्षण हैं। अर्थात ये कार्य करने वाले इस मृत्यु लोक में नरक लोक से आए हैं। मनुष्य यदि शेर की मांद के पास जाता है तो गजमोती पाता है, और वहीं सियार की मांद के पास से तो एक बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई ना देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई ना देने वाली आत्मा निवास करती है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ बेहद अनमोल विचार। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने हमारे इस मोटिवेशन से भरे इनके मॉनिटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।